अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है कि एक नौजवान, एक शख्स जो शराब पी के शराब के नशे की हालत में है, उसको जो है वीडियो बनाते हुए बोल रहे हैं कि पानी में कूद जाओ। एक डैम है, वो लोग कहीं गए थे नौजवान दोस्त, तो उसको बोल रहे हैं कि पानी में कूद जाओ। तीरने आया तो जान है तो नको जाए, देख यहां से कूद। 1 2 3 गोमा लोगा है, देख वहां जा। अरे जाजू बुला रहा है घास के। अरे जा। अरे दाजू पकड़ इसको। और जो है वहां पर कोई है, दूसरे नौजवान तीर रहे थे और उसमें बार बार बोल रहे कि कोमा है, उसमें कोमा बचा लेता, कोमा बचा लेता। कूद जा आओ जी। देखो वहां सांस फूल रही उसकी है, देखो वहां बुड़बुड़े आ रहे। भैया कूदो जी। तो ये नशे की हालत में ये शख्स जो है भागते हुए आके पानी में कूद गया। उसके बाद ये जो वीडियो बनाने वाले शख्स बोल रहे हैं, अरे भाई इसको बचाओ, इसको बचाओ। अरे भैया बचाओ जी, भैया प्लीज प्लीज भैया बचाओ जी उसको। बंदर रोड का है। कोमा बचाओ, इसको बचाओ। बहरहाल उसको बचाने बचाने के चक्कर में वो बचाया नहीं और वो जो है डूब गया। अल्लाह अकबर। एक इंसान जो है यहाँ पर नशे की हालत में था, उस पानी में कूद गया और पानी में कूदने के बाद डूब गया। तो यहाँ पर हमको थोड़े लेसन्स मिलते हैं मेरे भाई और मेरी बहनों कि सबसे पहली बात, अल्लाह ताला जो है हमको इतना प्यारा दीन दिए, उसके बावजूद हमको अमल नहीं करना है। अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ बता दिए कि जो है शराब का पीना हराम है। आपको इतने सारी चीज़ें हलाल है, वो चीज़ नहीं चाहिए हमको, हराम करना चाहिए, अल्लाह को नाराज़ करना चाहिए, अल्लाह को गुस्से में लाना चाहिए। तो शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है। तो नशा जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। देखिए आप इस्लाम कोई भी चीज़ से मना करता ना उसके, देखिए ये शख्स को नशे की हालत में, इसको खुद समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है बेचारा। इसको नशे की हालत में इतनी ऊपर से पानी से इसको कूद जाओ बोले तो कूद गया। और नशे की हालत में इंसान खुद तीर कैसा सकता, बोलिए आप। आप अगर वीडियो देखेंगे देखो आपको मालूम होगा कि क्या हालत से बेचारा ये कूद रहा है। अल्लाह अकबर। तो जब इंसान शराब पीता या कोई ड्रग्स लेता है, नशा करता, वो अपने होश से निकल जाता, उसको खुद नहीं मालूम होता कि वो किसका नुकसान कर रहा, खुद का कर रहा, लोगों का कर रहा, उसको कुछ नहीं पता होता। अल्लाह ताला इसलिए जो है नशे को हराम बोले। लेकिन अफसोस के साथ आज जो है हमारे पास कई नौजवान शराब की हालत में ड्रग्स जो है बहुत सारे ले रहे हैं। और मसला ये है कि हमारे लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए, इसको कैसा निकालना, जो परेशान है उसको कैसा निकालना इसमें से, जो एडिक्ट है शराब के, ड्रग्स के, कैसा निकाला जाए, क्या कोशिशें हैं, जो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन ज़्यादा जैसा होना चाहिए, बहुत सारे नौजवान जो है ड्रग्स में लगे हुए, ड्रग्स का आलम हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हो गया। शराब तो पहले से पी रहे हैं, अभी भी आप जो है आप वीडियोज़ देखते तो मालूम होता। तो यहाँ पर हम आपको ये बोलेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप नशे की कोई भी चीज़ नहीं करते तो अल्लाह का सबसे पहले शुक्र है। लेकिन यहाँ पर रुकिए मत, अगर आप नशा नहीं करते ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो दूसरे भाई नशे की हालत में, उनको आप बचाइए। जैसा कि यहाँ पर जो है ना पानी में कूदने लगा है और वो मर गया, डूब गया, वैसे ही वो जहन्नम की आग में चला जाएगा, जहन्नम के रास्ते पर जाएगा। आप खामोश बैठ के जो है उसको जाने देंगे? अपना ही भाई है मेरे भाई, अपना ही भाई है। जो भी लोग अगर ये नशा देखने, नशा करने वाले भी अगर देख रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह के लिए तौबा कर लो। अल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपकी तौबा सुन लेंगे, अल्लाह आपकी गुनाह छोड़ दो, अल्लाह आपके जितने भी वक्त आपने शराब पी, ड्रग्स लिया, अल्लाह आपको माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह ताला, दोबारा मत करो। और जो लोग ये हालत में नहीं है, नशे की हालत में नहीं है, नशे में नहीं है, वो लोग दूसरों को हेल्प करो, आप उनको समझाओ, उनके घर वालों से बात करो, उनको कोई काउंसलर्स के पास लेके आओ, उनको रिहैब सेंटर्स लेके जाओ, उनको दवाएं दिलाओ। ड्रग्स के लिए भी दवाई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए दवाई है, उनको उसमें से निकालने की कोशिश करो। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो मेरी भाइयों और मेरे बहनों आपसे एक रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट कम से कम तन्हाई में या जब भी दुआ करते हैं तो अपने हाथ उठा के अल्लाह से भीख मांग लो कि अल्लाह जितने भी भाई नशे में हैं अल्लाह उनकी मदद फरमा दे और उनका नशा छुड़ा दे। अल्लाह की कसम वल्लाही, ये जो वीडियो देखा मैं, हालांकि वो शख्स नशे की हालत में, हराम है, गुनाह है, लेकिन इसको बेचारे को पानी में कूदने के लिए कह रहे हैं, तो जो है ना ये अपने कपड़े वपड़े वो करके पहन के जो है ना इसी कुछ बेल्ट लगा रहा, पता नहीं वो कूद रहा पानी में, इतना रोना आ रहा वो देख के। अल्लाह अपना भाई हो, भले ही शराबी है, लेकिन उसको समझाना चाहिए, उसको ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। तो जो भी शख्स गलत काम में पड़ा ना, उसको आप दूर करने इसके बजाय आप उसको नज़दीक कर कर उसको दीन इस्लाम की तालीमात दें, उसको अपना करें, उसको पास लाएं, उसको मोहब्बत दें, हो सकता है इंशाल्लाह ताला वो जो है गुनाह को छोड़ दे और ये अच्छा इंसान बन जाए। और जो कुछ भी नहीं कर सकते आप, प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। और जो लोग ऐसे कामों में उनकी हेल्प करें,
जो भी जो है अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं काम, काउंसलिंग कर रहे हैं, रिहैब सेंटर्स के काम कर रहे हैं, या ड्रग्स छोड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं शराब के लिए, उनकी भरपूर मदद करिए। और अल्लाह से हमेशा दुआ करिए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सब तमाम मुसलमानों को हर किस्म के गुनाह से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।